गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी में। ट्रिकोलॉजी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को ट्रिक्स के मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आप लोग जब भी अपने क्लासेस में रहे होंगे, प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस में, तो वहां पे जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसका एक तरीके से सॉल्व करना सिखाया जाता था। जो भी सही तरीका होता है, या सीबीएसई को जैसे, या आईसीएसई या यूपी बोर्ड को जैसे चाहिए होता है, वैसे आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। बट वो तरीका हमें कहीं ना कहीं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो वो तरीका उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो तरीका आपको आपका समय बचा के नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स की मदद से उसको सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स की मदद से जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रिकोलॉजी नाम की चैनल स्टार्ट की, जहां पे हम लोग ट्रिक्स बताते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ट्रिक्स के कैसे सॉल्व करें, जल्दी कैसे सॉल्व करें, और जिनका भी थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है या बेसिक्स अनक्लियर है, वो भी ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग एसएससी के पास पेपर्स का ले रहे हैं, टीयर टू का। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमारा जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, वो नंबर सीरीज करने जा रहे हैं, और ये हम लोग का नंबर सीरीज का पहला पहला वीडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, ऐसे ऐसे करके ये डिजिट जो हो रही है 9 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन। पहले हमें क्या करना है, एन को ठीक है सम करना है, उसके बाद हमें जो भी सम आएगा उसका डिजिट्स फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये कैसे करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है पहली बात तो, और क्वेश्चन देख के हमें घबराना भी नहीं है। ठीक है, पहले हमें फाइंड करना है कि भाई कोई साइक्लिक पैटर्न है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। ठीक, देखिए आप 1 लिखेंगे तो 1 इधर आएगा, 11 लिखेंगे 11 ऐसे आएगा, 111 लिखेंगे वो ऐसे आएगा। तो एंड में देखेंगे, एंड में ये जो वैल्यू है वो 9 टाइम्स 1 का रिपीटेशन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा ये आ जाएगा 1111111। ठीक है, ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम जब एडिशन करने जाएंगे तो ये हमारा क्या, यहां से यहां तक हमारा क्या आ रहा है, यहां से यहां तक हमारा आ रहा है 9 टाइम्स। ये 1 का कितने टाइम है, 9 टाइम्स। सिमिलरली ये 1 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। ओके, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ठीक, इतना तो हमने समझ लिया कि जो n होगा, n इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n। तो हमें n के सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रहा है। इट इज एज गुड एज हमारा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, उसका हमें सम निकालना है। ठीक है, ये हमें एकदम पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है आपका, अगर आप सम इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45। ओके फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो ये, देखिए ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.2 1/0.3। ये भी देखिए एक साइक्लिक टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमें जब भी सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो हमें देख करके पहली बात तो घबराना नहीं है कि किस टाइप का क्या पैटर्न बन रहा है, क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये क्या दे रखा है, कैसी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें घबराना नहीं है। हमें पहले क्या करना है, पहले एक ही टर्म को हमने लेना है, इसको हम ले लेते हैं 1.0.2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2 = 5। ये क्या बन रहा है, 1/0.02। यह आ जाएगा 100/2 = 50। ठीक है, सिमिलरली एक पैटर्न के अनुसार हम देख सकते हैं, ये 1000/2 आ जाएगा, 1/0.002 ही आ जाएगा, 1000/2 = 500। तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, हमारा पैटर्न बन रहा है 5, 50, 500। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये 3 को हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 555। ये 3 को सिर्फ हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 555। तो ओके, अप टू अगर 9 टर्म्स है, अगर 9 टर्म्स है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 555, 555 एंड 555। तो दोस्तों बताइए, क्या
क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है? क्या ये ट्रेडिशनल तरीके से एकदम अलग तरीका है? और आपको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं एसएससी सीजीएल के, तो आपका जो टाइम है वो मिनिमम टाइम लगेगा, आपके क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे। और आप ऑब्वियसली हर क्वेश्चंस में अगर आप कुछ टाइम बचा लेते हैं, तो आप ट्रिकी क्वेश्चंस में, जो भी जो थोड़े टफर साइड के होते हैं, उस क्वेश्चंस में आप अच्छा टाइम दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन रेट बढ़ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो और भी चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो और भी हमारे वीडियोस धीमे धीमे आते रहेंगे उन्हें आप देखिए। और जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे, आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि भाई ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको क्वेश्चंस देखते ही एक ट्रिक समझ में आएगा, क्वेश्चन में क्या लगा है और उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और उसको आप धीमे धीमे सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग नंबर सीरीज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ 1 + 3 + 4 + 5 + 7, ये अप टू 40 टर्म्स हमें दिया रखा है, और हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक है, पहले बात तो देखिए, ठीक, हम इसको डिफरेंट वे में अप्रोच करते हैं। पहला तो हमें यहाँ पे दिख रहा है वन के बाद क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फिर फाइव आ रहा है, फिर सेवन आ रहा है, तो हम एक एपी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला एपी है 1 4 7 10। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 + 3 का एपी है। ठीक है, ये 3 5 7 9, ओके, इस तरीके का है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो एपी है, पहले एपी में 20 टर्म्स है, दूसरे एपी में 20 टर्म्स है। ओके, तो पहला एपी 1 से स्टार्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, 1 + 4 + 7 + 10, ऐसे ऐसे 20 20 टर्म्स होंगे, यहाँ पे 20 टर्म्स होंगे। और दूसरा एपी होगा आपका 3 + 5 + 7 + 10, ऐसे ऐसे यहाँ पे आपके 20 टर्म्स होंगे। ओके, तो इस एपी का आपका लास्ट, इस एपी का हम लोग सम फाइंड करने हैं, सम फाइंड करते हैं, और इन दोनों एपी को हमें ऐड करना है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं S1 इज इक्वल टू दिस एंड S2 इज इक्वल टू दिस। हमें एपी का क्या मालूम होता है कि सम क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ये एपी का हमारा वो होता है। ठीक है, सम होता है, वेयर इन एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 20/2 2a = 2a = 2 + n-1 20 - 1 19 × ये कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको करेंगे तो हमारा 20/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2a 6 + n-1 19 × 2, इसका क्या हो जाएगा, S2, ये S2 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे 57 + 57 + 2 = 10 ×, ये आ जाएगा 57 + 2 = 59, ये आ जाएगा 10 × 38 + 6 = 44। ठीक है, तो भाई हमें हमें यहां से जो हमें यहां से जो दिख रहा है, हमें यहां से क्या दिख रहा है कि भाई एंड में, ठीक है, ये 440 हो रहा है, ये 590 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को हमें सम करना है, एंड में 0 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले काट दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1030, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में पहले आपको समझना था कि दो एपी दिया हुआ है। ठीक है, एक पहला एपी ये दे रखा है, सेकंड एपी ये दे रखा है, इन दोनों को इंडिविजुअली सम करना था, और फिर इंडिविजुअल सम करके आपको आंसर फाइंड आउट करना था। देखिए फ्रेंड्स, एक सेकंड बात है कि हमने यहाँ पे जल्दी से सब सब कुछ अप्लाई किया है और जल्दी से आंसर निकाला है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे एक एजम्पन्स लेके चलते हैं कि आपका एक बेसिक क्लियर है, इस जब बेसिक आपका थोड़ा क्लियर होता है तभी आप ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, और अगर आपका बेसिक्स उतना क्लियर भी नहीं है, फिर भी हम लोग आपको बताते हैं कि ऑप्शंस की तरफ अप्रोच कैसे करें। जैसे कि यहाँ पे जब 590 और 440 आ गया था, तो हमने बताया कि भाई आपको ये दोनों ऑप्शंस को तुरंत हटाने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके इसके जब यूनिट डिजिट ही हमें दिख रहा है कि यूनिट डिजिट का जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हट जाने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर नंबर सिस्टम के और चौथे प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, हमें हमें दे रखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 20 की पावर 5।
लोग अपने चौथे चौथे प्रॉब्लम पे चलते हैं। चौथा प्रॉब्लम है हमारा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे ऐसे करके अप टू 20 के पावर 5। देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन देख के ही बहुत डर लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में क्या रखा है। 1 की पावर 5, हम 2 की पावर 5 जानते हैं 32 होता है, 3 1 की पावर 5 1 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा, 3 की पावर 5 हम कैसे निकालेंगे, अप टू 20 की पावर 5। ठीक है, देख के ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि अब हम लोग आगे कैसे अप्रोच करें, क्या लगाएं, कैसे हम लोग ट्रिक्स लगाएं। ठीक है, तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड वाले जल्दी से इसे सॉल्व करने लग जाएंगे, 1 की पावर 5 निकालेंगे, 2 की पावर 5 निकालेंगे, 3 की पावर 5 निकालेंगे, और धीमे धीमे करके वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, वो सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे किया जाए, क्या करना है, इस क्वेश्चन में उलझ के रह जाएंगे। लेकिन ट्रिक्स की मदद से हम लोग इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग का ट्रिक्स क्या है इसमें, देखिए, जब भी पावर दे रखी होती है, तो जब हमारा पावर दे रखा होता है, तो हमें ये पता होता है कि जो पावर का रेपिटेशन होता है वो 4 का समथिंग होता है। ठीक है, 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक, आप कुछ भी करिए, जैसे भी देखिए, वो 4 का पक्का ही एक मल्टीपल होगा। ठीक है, पावर 4 के बाद रिपीट करती है, कुछ कुछ जगह पे 2 पे रिपीट करती है, कुछ कुछ जगह पे 1 पे रिपीट करती है। लेकिन हम 1 पे रिपीट करें, 2 पे रिपीट करें, या 4 पे रिपीट करें, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई वो 4 पे रिपीट करती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए 1 है, 1 की पावर 1 ले लीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2 ले लीजिए तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 ले लीजिए तब भी 1 आएगा। तो ये पावर हर 1 की पावर कुछ भी है, ये पावर ये रिपीट कर रही है। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे इसका हमेशा बनाएगा। अब 2 पे देखिए, 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, अगेन 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट 2 2 रिपीट करेगा, 2 की पावर 6 हमारा 64 होगा। सिमिलरली अगर आप 3 का ले रहे हैं, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 आपका 9 होगा, 3 की पावर 3 आपका 27 होगा, 3 की पावर 4 आपका 81 होगा, 3 की पावर 5 आपका 243 होता है। ठीक है, तो अगेन आपने ये देखा कि जब पावर 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, ठीक है, यानी 4n+1 के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये जो यूनिट डिजिट है वो इक्वेट कर जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द, अगर आप 4 की बात करेंगे तो 4 की पावर 1 = 4, 4 की पावर 2 हो जो जाता है 16, एंड अगेन 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 होता है। यहाँ पे 2n+1 के फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट का रिपीटेशन क्या आ रहा है, 2n+1, लेकिन हम लोग 2n+1 है या 4n+1 है, हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 पे जो होता है वो पावर का रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इसको हम लोग डायरेक्टली सम कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 अप टू 20 की पावर 5, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3, क्योंकि एक रिपीटिशन आ रहा है। ठीक है, रिपीटिशन आ रहा है, 4n+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये 4 + 4 + 1 हो जाएगा, ये भी 4 + 1 है, 2 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 4 + 1, ठीक है, 3 up to 20, ये अब हमारा हो गया है एपी, एपी में कन्वर्ट हो गया है कि 1 2 3, इसका जो लास्ट डिजिट होगा, सिमिलरली वो भी इसका यूनिट डिजिट जो इसका होगा, वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो इस पहली पहली बात देखिए, ये 20 टर्म्स का समेशन है, हमारा क्या होता है कि n/2 2a + n-1d आता है। ठीक है, तो 20/2, ठीक, 2a हमारा 2 × 1 + n 20 - 1 × d, d क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, वॉट एवर इज दिस, ये अंदर क्या भी है, कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज अंदर लिखी हो, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, 10 × any complex thing, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स थिंग, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये क्या लिख के आ रहा है, इसका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा यूनिट डिजिट क्या दे रहा है, ये हमारा यूनिट डिजिट देगा समथिंग, जो भी ये आ रहा है, और एंड में आ जाएगा 0। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक्स के सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धीमे धीमे मैं और भी प्रॉब्लम्स लाता रहूंगा, जो भी ट्रिक्स से सॉल्व हो सकते हैं, जैसे भी आपको मदद मिले। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ट्रिक्स के कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम और भी जो भी मैं हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी मदद करूं, और क्वेश्चंस को जल्दी से ट्रिक्स से सॉल्व करने का एक बेटर वे निकाल सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप और क्या क्या चीज़ें आपको
पसंद है, कैसे मैं और वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट जा करके देखिए, ऑलरेडी मैंने 5 से 6 वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।